हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 में लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बीती रात यहां के स्थानीय स्त्रियों पुरुषों ने इस पर्व को एकता व भाईचारे के रूप में मनाया। इस पर्व पर स्त्रियों पुरुषों व युवाओं के साथ साथ सीनियर नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने गीत संगीत व पहाड़ी नाटियों पर खूब डांस किया व आपस में मिठाइयाँ बाँटकर तथा रात को कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए रात्रि भोज का आयोजन किया। लोहड़ी का जो हमने प्रोग्राम किया है वो एक सोशल नेटवर्किंग के लिए किया है। इसका कोई पॉलिटिकल कोई वैसा कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि हम सब मिलकर अपनी कॉलोनी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहें और इसी तरह हंसी मजाक प्यार आपस में उड़ाते हैं। नारी शक्ति के प्रति आपका जो सहयोग है वो वाकई सराहनीय है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नारी शक्ति तो हर जगह होनी चाहिए ना जी, और ऐसा है कि नारी शक्ति के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है, तो इस करके सभी मिलजुल के करें ये ऐसे प्रयास तो ठीक ही रहता है। तो समाज किसी में पीछे नहीं है, आपका जज्बा आज भी है समाज सेवा का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ सर, यहाँ पर हम लोगों को करीबन 40-45 साल आए को हो गए हैं। हमारी सक्सेसफुल होगी और आगे भी ऐसे फंक्शन होते रहेंगे। भविष्य में आपका क्या योजना है इस बारे में? योजना ये है कि होली पे भी, नए साल पे भी, दिवाली पे भी जैसे जैसे हमारे को मौका मिलेगा हम ये फंक्शन करते रहेंगे। ठीक, इससे भाईचारे का बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा संदेश जाता है समाज को। हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है। कुछ लोग बाहर नौकरी करते हैं, जैसे कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, तो मैं कभी कभी घर पे आता हूँ, लेकिन इस बार मैं भी घर पे था तो हम सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। शुरुआत तो बहुत बड़ी की आपको। हम ये चाहेंगे कि अगर सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो हर साल हम इसी तरीके से इससे भी अच्छे ढंग से इसको सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। सारी नारी आगे के लिए आपको इसके लिए मतलब समाज को प्रेरित करेंगे आप? हाँ जी बहुत अच्छा। ये फंक्शन होली पे भी होना चाहिए? हाँ जी, देखो सभी के राय होगी तो जरूर करेंगे। धन्यवाद मैडम। सर आप पूरी उम्र आपने दीन दुखियों की पूरी सेवा की है, क्योंकि आप चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा जुड़े हुए हैं आप, एज ए डॉक्टर रिटायर हुए हैं, आपने उस सेवा को भी बखूबी निभाया, आज और समाज सेवा में बहुत बखूबी योगदान दे रहे हैं, इसके बारे में सर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमारा यहाँ पे जो हमारे वार्ड का छोटा सा हिस्सा है जी, इसमें हमारे जो संगी साथी हैं, वीरेंद्र जी हो गए, सुनील पटियाल हो गए, ये इन सब के साथ मिलके ये इस तरह का ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा मिली कि हम मिलजुल के रहें तो हम समाज में और अच्छा आगे चल सकते हैं, मिलजुल के और आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या ये समाज के लिए उदाहरण पेश नहीं किया आपने? कोशिश करी है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने कोशिश जरूर करी कि हम सद्भावना से एक दूसरे साथ मिलजुल के रहें। बहुत अच्छे विचार डॉक्टर साहब के, धन्यवाद जी। पटियाल जी, आपने भारतीय नौसेना में सेवा की है? हाँ जी। और आपने आज जो जज्बा दिखाया है समाज सेवा का, हाँ जी, तो ये एक सराहनीय कदम है क्षेत्रवासियों के लिए। हाँ जी। तो ऐसा आपने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक ट्राई की, वो ट्राई हमारी सक्सेसफुल होगी, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, ट्राई हमारी सक्सेसफुल होगी और आगे भी ऐसे फंक्शन होते रहेंगे। भविष्य में आपका क्या योजना इस बारे में? योजना ये है कि होली पे भी, नए साल पे भी, दिवाली पे भी जैसे जैसे हमारे को मौका मिलेगा हम ये फंक्शन करते रहेंगे। ठीक, इससे भाईचारे का बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा संदेश जाता है समाज। हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है। कुछ लोग बाहर नौकरी करते हैं, जैसे कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, तो मैं कभी कभी घर पे आता हूँ, लेकिन इस बार मैं भी घर पे था तो हम सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। पटियाल जी धन्यवाद। सुभाष नगर वार्ड नंबर 11 में जो हमारे सभी शुभचिंतक, हमारे पड़ोसी, हमारे ऑल चाहने वाले, लोहड़ी का जो हमने प्रोग्राम किया है वो एक सोशल नेटवर्किंग के लिए किया है। इसका कोई पॉलिटिकल कोई वैसा कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि हम सब मिलकर अपनी कॉलोनी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहें और इसी तरह हंसी मजाक प्यार आपस में उड़ाते रहें। बस वर्मा जी, आपके बारे में ये भी काफ़ी चर्चा है इलाके में, आपने कई विकास कार्य रुके हुए थे उनको आपने फिर से
पुनर्जीवित करने में बहुत सहयोग दिया समाज का, ऐसी चर्चा है। विकास कार्य तो सभी ने मिलकर ही किया है जी, मैं और अकेला कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे कॉलोनी में हैं सभी ने मिलकर विकास कार्य किया है और सभी का योगदान है, सभी के कुछ न कुछ एफर्ट्स हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे और अभी भी बहुत सारे कार्य रहते हैं जो हम सब मिलकर साथ करेंगे। धन्यवाद वर्मा जी, धन्यवाद। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।